तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HP का एक नया प्रिंटर आ गया है नए प्रॉब्लम के साथ। तो जैसे कि देख सकते हैं HP LaserJet Pro 200 कलर MFP M276N। तो देखिए इसमें क्या एक्टिविटी हो रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बार बार ये प्रिंटर रिबूट हो रहा है, ऑन हो रहा है, इनिशलाइज हो रहा है प्रॉपर, उसके बाद रिबूट हो जा रहा है। तो ये क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो अंत तक देखिए पूरा वीडियो। ये देखिए फिर से ऑफ हो गया, फिर दोबारा रिस्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए रिबूट हो गया, फिर से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ऐसे ही इंजन प्रॉपर रोटेट करता रहता है, फिर बंद हो गया। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, इसको हम लाइव रिपेयर करेंगे। आप अंत तक कृपया देखिए, वीडियो स्किप ना करिए, अदरवाइज़ आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं और आपको रिपेयर करके दिखाते हैं। देखिए दोबारा से रिस्टार्ट हो गया, लेकिन वही सेम बार बार प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। बट ये प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज नहीं होता है, कभी कभार इनिशियलाइज हो जाता है। जैसे आप प्रिंट कमांड दोगे तुरंत शट डाउन हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए हम खोल के इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को बंद कर देते हैं यहाँ से। देखिए हमने बंद कर दिया, कोई और पार्ट डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर शट डाउन कर दिया, अब ये प्रिंटर ऑन नहीं होगा बार बार। तो सबसे पहले हम पावर को डिसकनेक्ट करेंगे, ये बड़ा प्रिंटर है तो हमारे इस वीडियो के लेंथ में थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकता है। तो हम पावर केबल निकालेंगे, उसके बाद से खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या हमारा किधर हमारा जिधर लॉजिक कार्ड लगा होगा पावर सप्लाई, उधर ही हिस्सा खोलेंगे। तो अभी हमारा इधर लॉजिक कार्ड लगा है, तो हम पावर सप्लाई वाले हिस्से को खोलेंगे, उधर ही देखेंगे प्रॉब्लम हमारा उधर ही हो सकता है रिस्टार्ट इशू में। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं। सलमान खान आना, इसको इसको पकड़ो तुम, मैं खोलता हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रिंटर है, इस पर हम ऐसे, तो सबसे पहले हम इसको रोटेट करते हैं प्रिंटर को, काफ़ी इसमें वेट है प्रिंटर में। ये हमारा प्रिंटर दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ पेच वगैरह लगे हुए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए प्रिंटर R&D हो चुकी है पहले ही कर चुके थे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पेच खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। के बाद से हम इसकी मदद से इसको खोलेंगे, ठीक है। तो और भी हम केयरफुली देख लेंगे, इसमें पेच वगैरह कई बार लगा होता है नीचे भी, तो इधर भी लगा है, तो यहाँ भी खोलेंगे, सामने भी चेक करेंगे। तो इधर कोई पेच नहीं लगा है, तो चलिए खोल दें इसको देखते हैं। इधर हमारा पावर सप्लाई है, हाई वोल्टेज सप्लाई है हमारी, और इधर पावर सप्लाई भी लगी हुई है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज सप्लाई है और पावर सप्लाई इसके नीचे है, ठीक है। इस प्रिंटर को ऐसे कर देंगे जो कि हम खोलने में आसानी हो, पैक करने और दिखाने। तो हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज सप्लाई खोलेंगे, फिर उसके बाद पावर सप्लाई, ठीक है। तो शायद हमारा लग रहा है हाई वोल्टेज, तो ये फोन आ गया था, तो ये वाली सप्लाई हम खोल के देखेंगे, हमारी इसकी पावर सप्लाई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला स्क्रिप्ट खोलना होगा निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक पेज खोल लिए, अब इधर का भी खोलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो सप्लाई है वो निकल नहीं पाएगी।
ठीक है। ये वाला जो हिस्सा तभी खुलेगा जब हम इसको पूरा खोल के निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरा वाला भी कवर खोलना पड़ेगा, तो ही हम इस पावर सप्लाई को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी हम खोलते हैं। इसको खोलने के लिए इसे चेक करेंगे यहाँ पे पेच वगैरह, पेच नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार नीचे देखेंगे इस तरह यहाँ पे पेच लगा है, तो हम खोलेंगे इस पेच को सबसे पहले, नहीं तो ये टूट जाएगा बोर्ड। कई बार हमें वीडियो भी उतारने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन अभी मैं इसे खोल के देख रहा हूँ। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि एडीएम खोलनी पड़ सकती है, नहीं आसानी से खोल गया तो देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इस मॉड्यूल को। और ये हमारा लॉजिक कार्ड वगैरह, इंजन कंट्रोलर वगैरह आप देख सकते हैं, लॉजिक कार्ड, ये फैक्स कार्ड और ये इंजन कंट्रोलर, ठीक है। ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट हैं, ये डीसी मोटर। अभी इधर हम पावर सप्लाई खोलते हैं। इस तरह से हम पावर सप्लाई को भी रिप्लेस करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम खोलेंगे यहाँ से भी केस स्टेप बाय स्टेप। ये वाला हिस्सा असेंबली को भी हमें निकालने की ज़रूरत है, ये पूरा खुलेगा एक साथ ही। दोस्तों ये VDF और सामने का कंट्रोल पैनल खोलने के बाद फिर आसानी से निकलता है, इसके यूज़र मैनुअल ज़रूर फॉलो करिए, अदरवाइज ये ओपन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं और भी पेज साइड में,
कोई और कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रेस करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए आसानी से निकल चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे यूनिट को यहाँ पे एक पेच होता है, यहाँ पे खोल के इसको भी निकाल लेंगे। खुल गया हमारा, बट ये पेज देखिए ऐसे प्रेस करेंगे तो आसानी से खुलेगा, जोर जबरदस्ती करने से टूट सकता है। ये हमारा लेजर स्कैन यूनिट है, इसे प्रिंट करता है। ये हमारा फ्यूजर है, फ्यूजर रिप्लेस करना था, इस तरह से आसानी से खोल के कवर कर सकते हो। अब बात करें अभी हमारी पावर सप्लाई की, तो मेन हमारा जो मोटर था खोलने का, तो पावर सप्लाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई निकालने के लिए इसके लिए यहाँ पे लॉक होता है, ऐसे स्लाइड करिए निकल जाएगा इजीली। ये हमारा पावर सप्लाई होता है, इसे हम खोलेंगे और निकालेंगे, रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे स्लाइड करके निकाल लेते हैं। तो हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है इन पावर सप्लाई में, चल के देखते हैं। कोई रिपेयर कर वो पाएगा नहीं पाएगा वो तो बात की बात। इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क है, तो आसानी से खुलता नहीं है मॉडल।